मोजेस काबिल एहतराम, मलिक साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, सबके लिए है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मैं उनको वजाहत कर दूं कि ये जो फंड मैंने एज ए मिनोरिटी पार्लिमानी सेक्रेटरी जाम यूसुफ नवाब जाम कमाल खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अकलियती बरादरों के जो त्यौहार आते हैं उनमें गरीब बेवाओं, मिस्कीनों, नादार और जो डिसेबल है उनके लिए एक फ़ंड दिया जाए। तो उन्होंने मेहरबानी की, हमारे रिकमेंडेशन पर 25 लाख रुपए दिए, मगर उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि भाई आपने वो नहीं करना है जो उनके जो मिनोरिटीज़ के पास्टर हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर हैं, उनके थ्रू जो दरख्वास्तें आएंगी डीसी के उन्हीं पर होगा, ना मेरे रिकमेंडेशन पर होगा ना किसी एमपीए। बाकायदा एक वजाहत की गई और अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप जाए जिन जिन अफराद को मिला है उनके बाकायदा एप्लीकेशनें आई हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मोतबरीन हैं, जो पास्टर हैं, जो पादरी हैं, उन्होंने उस पर किए हैं। और मैं आपको हल्फिया कहता है कि क्रिश्चियन बिरादरी मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको एक बात वाजे कर दूं जनाब चेयरमैन। तो लांगो साहब सुने तो सही ना, आप सुनते लांगो साहब तो आपको सुने आप तो सही बैठे वजाहत करने दो उनको, वजाहत तो करने उसके बाद फिर आप बात कर ले, आप वजाहत तो करने दे, आप सुनेंगे नहीं तो आप किस तरह से, आप सुने तो सही ना, मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ ना। अगर आपने सिर्फ वो ही करना है, शोर शराबा करना है तो और बात है, मैं तो वजाहत कर रहा हूँ ना, मैं जनाब स्पीकर मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ ना। इसमें जनाब आला आपको बता दूं, ये बिल्कुल अब इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर एक भी वो साबित हुआ, अच्छा वो मजे की बात है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, रुको, आपकी बात खत्म हो जी। नहीं नहीं मैं बात वजाहत कर रहा हूँ और मैं आपको ये वजाहत कर दूं, अच्छा मैं वजाहत कर दूं कि क्रिश्चियन बिरादरी के अलावा किसी और कम्युनिटी को नहीं मिली, जिस तरह से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मैंने ना अपने खानदान को दिए और गरीब हूं। अगर उसमें से साबित हो जाए कि किसी गरीब मिस्कीन बेवा को नहीं मिली है तो मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूं। और ये अगर ये कहते हैं कि जी नहीं हमारे रिकमेंडेशन पर दो, इन्होंने तो सारे कमीशन लेकर वो कर रहे, पता नहीं 625 लोगों के नाम लिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ, वजाहत कहता हूँ कि अगर ये हुआ मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। रिकॉर्ड हो गया आपकी बात के पास, इतने आप सरमायेदार हो, आप खुद अपने जेब से दे दे। मगर हम उसने अपने साबित कर सकता हूँ कि वो लिस्ट कर उनसे पैसे ले रहे हैं। जनाब चेयरमैन कि कमीशन किसने ली, चोरी किसने की, ये तमाम चीजों का मेरे मोजेज रुकन ने खुद एडमिट कर लिया कि कमीशन किसने लिए, तकसीम किसने किए, और लोगों से किसने मारा, कमीशन यतीमों का हक किसने मारा, ये मेरे मोजेज रुकन ने खुद एडमिट कर लिया। अब इसमें मजीद कुछ नहीं कहेंगे, और कमीशन से इतराजी बयान के बाद ये हमारे सामने है, हम पिछले 9 महीने से आपकी हुकूमत के गरीबों को और उनकी लिस्ट को बार बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके आप हुकूमती मौके पे सुन, कहा हमारे साथियों की तरफ से ब्लेम हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को दिए, हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया गया, जबकि हमारा दिनेश भाई जो है वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने किसी हिंदू को नहीं दिया, इन्होंने क्रिश्चियन बिरादरी को दिया हुआ है। इसलिए इस तरह का तोहमत लगाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी रवायत नहीं। सही सही जी, जी आप बताएं, आप पार्टी का तो उन्होंने ये पैसे मंजूर कर दिए, ऐसे हुआ कि मुझे 4 माह तक डीसी ऑफिस सीएम हाउस के चक्कर लगाना पड़े, और
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप हाजिर होते हैं, एंटर होते हैं, इन दिनेश को और ये मुख्तलिफ सियासी तौर पर ये तकसीम किए गए, और जब आप एंटर होते हैं तो मुअज्ज़ज़ अरकान असेंबली मुखातब किया जाता है। मेरा ख्याल मुअज्ज़ज़ सिर्फ वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जबकि मैं क्वेटा में था। अगर मैं क्रिश्चियन था तो उस प्रोग्राम में मुझे मदू करना चाहिए था। मैं क्वेटा का रहशी हूँ, और मुझे अगर मैं मुअज्ज़ज़ नहीं हूँ तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? त्यौहार मसीहों का था। मैं नहीं चाहता कि भी कोई भी क्रिश्चियन हिंदुओं के अरकान हिंदू बना रहे, मुझे खुद इसने कहा कि मैं हिंदुओं का नहीं हूँ, बोले बीएनपी सिर्फ क्रिश्चियनों की जमात है, हिंदू नहीं है। मुझे क्या है ये कह रहा है? हिंदू कम्युनिटी के त्यौहार पर जो आप दे जी सना भाई तमाम अकलियतों को जो आप जी मलिक साहब, मलिक शावानी साहब।